फ्रेश फ्रेश हो गया और तुम बताओ कि मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करूं कि नहीं। वेलकम बैक नदर व्लॉग। दूसरे लोग पूछते हैं कि यार मैं बालों की क्यूर कैसे करता हूं, मींस मेरे बाल मींस इतने शाइनी स्मूथ कैसे। तो आज इस व्लॉग में सब कुछ ए टू जेड बताऊंगा, लोगों को शुरू से ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर चैनल पर न्यू हो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यार अभी मैं जैसे सुबह जिम गया, जिम से वापस आया, फिर उसके बाद मैंने पता है सो गया था और अभी उठाऊं, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा पता है। अभी मैं नहाऊंगा 2 घंटे बाद और नहाने से दो घंटे पहले मैं कौन सा ऑयल यूज करता हूँ। मैं बालों की मालिश करता हूँ ऑयल से और कोकोनट ऑयल में यूज करता हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या और क्या क्या चीजें यूज करता हूँ, मीन्स कौन सा शैम्पू, कौन सा मीन्स किस तरीके से मैं बालों को धोता हूँ, सब कुछ ए टू जेड बताऊंगा। तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लगा लेता हूँ नहाने से 2 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। तो यार सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर लेता हूँ। हाँ, तो इस तरह आप मैं अच्छे से लेके तेरा आप लोगों ने ना अच्छे से मालिश करनी है, अच्छे से मालिश करनी है यार, ताकि आपके जड़ों तक ये ऑयल ऑयल से पहुंच जाए। मसाज करने के बाद मीन्स अच्छे से ऑयल देने के बाद मीन 4 से 5 मिनट तक आप लोगों ने ऑयल देना है स्कल्प को। अच्छे से ऑयल देने के बाद फिर आप लोगों ने 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। कितने घंटे के लिए? 2 घंटों के लिए। मैं भी इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। और हाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि मसाज कैसे करना है। इस तरह अपने हाथ में ना जैसे ऑयल ले लोगे ना, देन उसके बाद अपनी फिंगर्स पे ऐसे लगाना, सबसे पहले फिंगर्स पे, देन उसके बाद जड़ तक पहुँचाना। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है ऐसे करते नहीं यार, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने ना जड़ तक पहुँचाना है अपने ऑयल को। आप लोगों से मिलूंगा 2 घंटे बाद। 2 hours later. 2 घंटे पूरे हो गए। अभी मैं मींस जाके फ्रेश फ्रेश होना है और फिर शेव वेव करना है। यार सुबह से शेव वेव भी नहीं किया, मींस कल से नहीं किया। तो दिन में एक मरतबा शेव लाजमी मैं करता हूँ। दिन उसके बाद अभी मैं जाके फ्रेश फ्रेश होऊंगा और कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ, क्या कुछ यूज़ करता हूँ, सब कुछ ए टू जेड मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं ये ट्रिमर यूज़ करता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये वाला ट्रिमर। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार मैं ये यूज़ करता हूँ, बट नहीं यार, ये मैं यूज़ नहीं करता, ये मैं यूज़ नहीं करता। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जस्ट आप लोगों ने अगर साइड की बाल वाल सही कटवाने हैं या यहाँ से, मीन्स ये बड़े बालों के लिए, और ये जो है ना बिल्कुल क्लीन शेव के लिए। किस चीज़ के लिए? बिल्कुल क्लीन शेव करने के लिए। जैसे कि मैं ज़्यादातर दाढ़ी मूछे इसी से क्लीन शेव करता हूँ। A few moments later. तो यार लाइट का इशू है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं सेल्सन ब्लू शैम्पू यूज़ करूँगा। सेल्सन ब्लू शैम्पू अच्छे से यूज़ किया, बालों को अच्छे से धोया, देन उसके बाद फेस वॉश, पॉन्ड्स का फेस वॉश, और उसको भी अच्छे से मुंह पर लगाना है, अच्छे से रगड़ना है, देन उसके बाद क्लींजर। तो क्लींजर बेस्ट है यार, मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है, क्लींजर यूज़ करना है। देन उसके बाद फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब यूज़ करना है अच्छे से। फेस स्क्रब लगाने के बाद फिर मुंह धो लेता हूँ यार, ब्रश करना तो रह गया। 2 hours later. यार मैं फ्रेश फ्रेश हो गया। फ्रेश होने में इस वजह से ज़्यादा टाइम लगाता हूँ क्योंकि यार मेरे बालों को धोना इतना आसान नहीं है, बड़े बाल है ना, इस वजह से जड़ों तक सही से हाथ ऐसे ऐसे घुसाने होते हैं, तो इस वजह से टाइम लगता है। A few moments later. अच्छे से बालों को सुखाने के बाद देन आप लोगों ने पता है क्या करना है? फिर से आप लोगों ने ऑयल लेना है, हल्का सा, ये देखो हल्का सा, बस हल्का सा होता है ना, थोड़ा सा बस इस तरह लेके, ताकि बालों को हम मीन्स हल्का हल्का सा हम लोग बालों पे लगाएंगे, ऊपर की तरफ, जड़ों तक नहीं, ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे ताकि बाल शाइन मारे। हम धूप वूप में जाते हैं ना तो बहुत शाइन मारते, फिर अच्छे लगेंगे, ऑयली लगेंगे, अच्छे लगेंगे, मीन्स फ्रीजी नहीं लगेंगे बाल। ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम फेस पर, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया, उसके बाद क्रीम लगाऊंगा इस तरह थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्रीम से मसाज करना है, हल्का सा फेस पे फेयर एंड हैंडसम क्रीम अप्लाई करनी है। वैसे सच कहूँ तो मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, अच्छे से आपने पूरे एरिया पे लगानी है क्रीम, पूरे एरिया पे। मैं आप लोगों को दूसरी चीज बताऊं, पता है ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो 1 2
तीन चार, क्योंकि यार पाकिस्तान में ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम्स मिल नहीं रही थी, इस वजह से मुझे एक स्टोर में से मिली तो मैंने सारी चार की चार उठा ली। और हल्के से आप लोगों ने गर्दन पे भी लगानी है ये क्रीम, क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं ना चेहरे सफेद सफेद नजर आ रहे होते हैं और काली काली गर्दन लेके घूम रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो। वैसे सच कहूं तो ये जो सीरम था, बहुत सारे लोगों ने बोला था यार सीरम कैसा है, सच कहूं तो यार सीरम जरा भी अच्छा नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो दो ना, यानी कंजूस है, फिर क्यों खड़ा हुआ है मेरे पास। यार ये सीरम मींस जरा भी अच्छा नहीं है। फेस पे क्रीम लगाई, उसके बाद मींस ऑयल लगाया, देन फेस पे नहीं लगाया, बालों पे लगाया। अब उसके बाद मैं ब्रश ब्रश करता हूँ, अपना हेयर स्टाइल बताता हूँ आपको। पहले बालों को मैं ऐसे बिगाड़ लेता हूँ, ऐसे बिगाड़ने के बाद वैसे मुझे शीशे की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि बाल मेरे ऐसे ही बन जाते हैं यार, तो शीशे वगैरह की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। मैं ऐसे हाथों से शीशे ब्रश ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती, मैं जस्ट ऐसे ही हाथों से बना लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके। और आप लोग ये कमेंट करके बताओ क्या मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करूं या नहीं, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना। और तुम बताओ कि मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करूं कि नहीं, बोल रहे हैं नहीं ये। तो तुमने अपना हेयर स्टाइल का क्या बनाया हुआ है, देखो तो सही, ये क्या बना हुआ है, घोंसला बना हुआ। मैं तुम्हें बोलता हूँ ना बालों की सेटिंग कर, इधर तो आ, और ये कृष पुश नहीं करो, बंदा चलाता है ये देखो ऐसे करके चलाते, इसको तेली में कौन लेके घूमता है, हाँ इसको ऐसे चला। जो लोग कहते हैं ना कि यार ऑनियन लगाओ, ऑनियन का पेस्ट, फालतू फालतू चीजें बता रहे थे। आप लोगों को मैं एक अच्छा सा आइडिया दूंगा कि आप लोगों ने जस्ट एक मीन सरसों का ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, इन दो चीजों में से, इन दो ऑयल्स में से एक लगाओ और इसके अलावा कोई चीज मत लगाओ। आप एक मंथ लगाओ, अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दो मंथ लगाओ अच्छे रिजल्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तीन मंथ लगाओ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट फोर्थ मंथ में लाजमी मिलेगा आप लोगों का अच्छा रिजल्ट। तो आप लोगों ने ना यार कोई भी टेंशन नहीं लेनी, मीन्स ज्यादातर लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारे बाल गिर रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, नहीं यार इस चीजों के मतलब इस बारे में सोचो ही नहीं। अगर बाल टूट भी रहे ना तो उतने आते भी है, जितने टूटते उतने वापस आते भी है, ये टाइम के साथ साथ। मीन्स ये होते हैं ना कि हम लोग छोटे से यंग होते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं यार हमारे बाल चले जाएंगे, हम मीन्स बचपन में ऐसे मीन्स बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बालों की ग्रोथ व्रोथ खत्म नहीं होती। बट ये मैं इतना कह दूं कि आप लोग ना इसको मतलब बालों के ऊपर ना फालतू प्रोडक्ट्स यूज नहीं करो, आप लोग फालतू प्रोडक्ट्स यूज करोगे देन आपके बाल हो जाएंगे टाटा बाय बाय। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू गाइस बाय।